Hi guys, welcome back and happy Ganesh Chaturthi to everyone in advance. So, इस गणेश चतुर्थी पर मैं एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ, मावा मोदक, जिसे बनाना बहुत ही सरल है. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. इसको बनाने के लिए मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है, जिसमें मैंने एक चम्मच देसी घी डाला है और मैं इसे अब अच्छे से मेल्ट कर लूँगी गरम कढ़ाई में. सो मेरा घी अब ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है. अब मैं इसमें एक कप दूध डाल रही हूँ. यहाँ मैंने गाय का दूध यूज़ किया है. आप चाहे तो अपने मनपसंद का मिल्क यूज़ कर सकते हैं. अब मैं यहाँ पर केसर मिल्क ऐड कर रही हूँ, जिससे इसका कलर येलो आएगा. इसमें एक अच्छा सा उबाल ले आइए. और यहाँ पर मैं रेडीमेड खोआ यूज़ कर रही हूँ. आप चाहे तो मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं. मेरे पास खोआ अमूल का अवेलेबल था, तो मैंने ये इसमें मिक्स कर दिया है. और अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिला रही हूँ. ध्यान रखिएगा, लम्स नहीं बनने चाहिए. धीरे धीरे मध्यम आंच में मैं इसे बना रही हूँ. अब सो फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट मिल गया है मिल्क में खोआ. इसको मैं एक अच्छा उबाल ले आऊँगी, ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, मिल्क, केसर एंड मावा. इसको हमें धीमी आंच पर धीरे धीरे चलाते रहना है, जब तक ये थिक ना हो जाए. आप देख सकते हैं ये अब काफ़ी गाढ़ा हो गया है. सो हमें बीच में हम हाई फ्लेम कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा हमें मैक्सिमम इसे मीडियम फ्लेम पर ही बनाना है. आप देख सकते हैं यहाँ पर घी अब अलग हो रहा है. सो नॉनस्टिक में मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें चिपकने का डर नहीं रहता. आप देख सकते हैं कितने आराम से हमारा खोआ रेडी हो गया है, मावा. आप देखिए, सो ये अब ऑलमोस्ट रेडी है. मैं इसको अच्छी तरीके से मिला रही हूँ. अब मैं इसको एक बाउल में निकालूंगी और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूंगी. फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक स्टेप का वीडियो लेना भूल गई, जहाँ पर हमने 1 कप पाउडर शुगर ऐड किया था आफ्टर कूलिंग. सो वो आप ऐड करिएगा जब बनाएंगे. सो अब यहाँ पर मावा ऑलमोस्ट रेडी है टू मेक ब्यूटीफुल मोदक. सो मैंने यहाँ पर एक ढांचा ले लिया है मोदक का, और मैं उसे ग्रीस कर रही हूँ घी से. और मैं उसमें अब छोटे छोटे टुकड़े डाल रही हूँ, दोनों तरफ डालूँगी और अच्छे से प्रेस कर लूँगी. आप देख सकते हैं ये मैंने अच्छे तरीके से प्रेस किया, और बीच में मैंने थोड़े से काजू डाल दिए. ऑप्शनल है, अगर आपको डालना नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं. अब मैं इसे अच्छे तरीके से दबा लूँगी और जो भी इसका वेस्ट पार्ट होगा वो मैं निकाल दूँगी. और आप देख सकते हैं हमारे केसर के मोदक रेडी हो गए हैं. दिख रहे हैं ना, बहुत यमी. सो फ्रेंड्स, इस गणेश चतुर्थी पर हमने मोदक बनाया है, और अब मैं इस पे सिल्वर वर्क डाल रही हूँ. ये भी ऑप्शनल है, दिखने में अच्छा लगता है इसलिए मैं इसे सिल्वर वर्क से डेकोरेट कर रही हूँ. तो हमारे मावा मोदक रेडी हैं गणेश चतुर्थी के लिए. सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, और
हैप्पी गणेश चतुर्थी इन एडवांस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.